फ्रेंड्स, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट जो मेन मेन टेस्ट है हम वो फटाफट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंस टेस्ट, उसके बाद है कंसिस्टेंसी टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। पहले है फाइनेंस टेस्ट। फाइनेंस मतलब क्या होता है? फाइननेस मतलब सीमेंट कितनी बारीक है, कितनी पतली है, तो कितनी परसेंटेज उसकी बारीक है, कितने माइक्रोन की उसमें हम सीव यूज करेंगे, कितने बारीक पार्टिकल हैं। तो उसके लिए हम मेथड जो यूज करते हैं वो हमारा होता है इसमें टेस्ट में सीव मेथड और एयर परमेबिलिटी मेथड। या फिर जो एयर परमेबिलिटी मेथड है इसके साथ ही हम नर्स और ब्लेम मेथड भी यूज करते हैं, इनर टर्बिडिटी मेथड भी हम यूज करते हैं, सेडिमेंटेशन मेथड भी हम यूज करते हैं। उसके बाद जो फाइनेंस टेस्ट है उसका मतलब क्या है? मीन साइज ऑफ ग्रेन इन इट, मतलब डिग्री ऑफ जो फाइनेंस है वो क्या है। पहला पॉइंट ये है कि इफ फाइनेंस इंक्रीज इफेक्ट क्या होंगे, अगर हम फाइनेंस जो पार्टिकल हैं सीमेंट के उनको और भी ज्यादा फाइन कर देंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले होगा जो सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जो टोटल सरफेस एरिया है पार्टिकल का वो कैसे बढ़ेगा? मान लो एक पार्टिकल है, उसका साइज हमें गिवन है और उसको हम और भी बारीक कर देते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया वो कैसे बढ़ेगा? मान लो ये एक पार्टिकल है सीमेंट का, ठीक है, जिसकी मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, जिसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। अब इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 2 × 2 × 2, 8 सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक इतनी बात क्लियर है। और इसका जो सरफेस एरिया वो कितना होगा, सरफेस एरिया होगा 2 × 2 × 6। 6 फेस है ना हमारे इस जो पार्टिकल है जो हमने इस फॉर्म में लिया है, क्यूब की फॉर्म में कह लो चाहे रेक्टेंगुलर की फॉर्म में कह लो, जिसके 6 फेस हैं। ठीक है, तो 6 फेस हैं, एक फेस की हमें भाई 2 × 2 = 4 आ गया, ठीक है, जो उसका सरफेस एरिया है। और 6 फेस हैं जो इसके अलग अलग, तो उनका हमने निकाला क्योंकि जो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है वो तो सेम ही है ना, तो ये हमारा आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये बात होगी एक पार्टिकल की जिसका हमें साइज गिवन है। अब हमें इसको करना है बारीक, इसको बारीक कर दिया तो इसके इतने पार्टिकल बन गए भैया। ठीक है, इसको हमने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, 1 2 3 1 2 3 और ऐसे करके पीछे भी जो पार्टिकल वो बन गए। अब जो ये पार्टिकल था इसको हमने ब्रेक किया और भी फाइन कर दिया, तो इसके जो पार्टिकल का साइज है लेट कर लो वो 1 सेंटीमीटर हो गया लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है जी, अब एक जो पार्टिकल है इसको हमने फाइन किया, इतने पार्ट बन गए इसके, इतने पार्टिकल बन गए हैं, तो भैया हम इसका एक का वॉल्यूम निकाल लिया हमने, 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया जी, 1 लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब जो पूरा जो हमने ब्रेक किया है, जो टोटल वॉल्यूम आएगी इन जितने भी पार्टिकल हमने ब्रेक किए हैं एक पार्टिकल में से, तो इनकी हमें टोटल वॉल्यूम निकाल ली 1 × 8, हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर इनकी सब की टोटल वॉल्यूम आ गई। बात तो होगी टोटल वॉल्यूम की। अब हम आते हैं सरफेस एरिया, जो हम मेन पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो चलो भाई देखो, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एक का जो सरफेस एरिया है, एक जो पार्टिकल है उसका 1 × 1 जो उसकी लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है जी, इंटू में 6 फेस है एक क्यूब में, है ना, तो हमारा जो सरफेस एरिया है एक जो छोटा पार्टिकल बना उसका आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, एक बात ये होगी। उसके बाद इन सब पार्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कितना होगा, तो एक का सरफेस एरिया इंटू में इन 8ों का, मान लो 8 पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ तो 8 पार्टिकल हैं जो उनका जो उनको मल्टीप्लाई कर दिया एक के सरफेस एरिया से, तो हमारा आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो अब आप देखो, पहले वाले एक पार्टिकल का सरफेस एरिया और जो हमने ब्रेक जिसको ज्यादा फाइन कर दिया उस पार्टिकल को, उस जो जितने भी पार्टिकल बने उनका सरफेस एरिया टोटल सबका एक में से जो बने, तो कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली भैया डबल हो गया, ये तो बढ़ गया ना, एक इफेक्ट हो गया है कि फाइनेंस इंक्रीज करने से सरफेस एरिया हमारा बढ़ जाता है। व्हेन वी फाइन द सीमेंट पार्टिकल द सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट पार्टिकल विल इंक्रीज। बिल्कुल, हमने देखा प्रैक्टिकली सोल्व करके देखा। What will happen when surface area is increased? अगर जब surface area increase होता है तो क्या क्या हो सकता है? Contact of water will increase. बिल्कुल, जितना fine particle होगा तो पानी उससे जल्दी contact करेगा। ठीक है, means better contact with water. बिल्कुल ठीक है जी।
हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, जितना स्मॉल पार्टिकल होगा पानी उससे रिएक्ट करेगा उतना ही जल्दी हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा। अच्छा, अर्ली जो स्ट्रेंथ है वो क्विक फास्ट आएगी, बिल्कुल ठीक है। जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो कांस्टेंट रहेगी, ये बात आप याद रखना, वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो अर्ली स्ट्रेंथ आनी है सीमेंट की, चाहे वो हमने कंक्रीट में मिक्स या मोर्टार बनाया है, तो उसकी स्ट्रेंथ जल्दी आएगी। कोहेसिवनेस ऑफ कंक्रीट बेटर हो जाएगी, ब्लीडिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ब्लीडिंग की भी हम ये जो टर्म है ना ये बात करूंगा मैं अलग से एक वीडियो में। और जो श्रिंकेज और क्रैकिंग है, जो आप देखते हो सीमेंट जब मसाला डाल देते हैं कॉन्क्रीट वगैरह, तो आपने देखते हैं कि कुछ टाइम बाद उसमें क्रैक और श्रिंकेज लाइनें सी हो जाती हैं, तो वो क्या है वो इंक्रीज हो जाएगी इस केस में जब फाइनेंस ऑफ सीमेंट हम ज़्यादा करेंगे तो, ठीक है। सीव मेथड में क्या करते हैं हम, देखो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो क्या है सीव मेथड का, सीव करने का, जो फाइनेंस चेक करने का सीमेंट का, वो क्या है। सीमेंट सैंपल लेंगे हम 100 ग्राम, सबसे पहले ले लिया भाई सीमेंट सैंपल, उसको 90 माइक्रोन जो सीव होती है उसमें से सीव करेंगे, या हम 9 नंबर की सीव भी कहते हैं लैब में जब हम पढ़ते हैं, ठीक है। द सैंपल इज प्लेस ऑन 19 माइक्रोन सीव एंड कंटिन्यूसली सीव फॉर 15 मिनट, 15 मिनट तक हम उसको सीव करते हैं, ठीक है। और सीव करने के बाद जो सीव में बच जाएगा ना, जितनी भी परसेंटेज बचेगी रिटेन जो वेट होगा, मतलब जो रिटेन वेट होगा वो उसका हम वेट कर लेंगे, जो हमारा आ जाएगा W2, जिसकी वैल्यू अप्रोक्स कुछ भी आ जाए, आप टेस्ट करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। तो W1 हमारा हो गया जो हमने सीमेंट का सैंपल लिया, वो W2 हो गया जो एक तो सीमेंट पास कर गई सीव से, वो नहीं लेना, जो सीमेंट जो छलनी में बच गया, जो सीव में बच गया वो, तो उसके बाद ये फॉर्मूला है, जो ये फॉर्मूला है W2 डिवाइड बाई W1 इंटू में 100, जो वैल्यू हमारी आएगी, जो हमें ये परसेंटेज वैल्यू मिली, इसको हम कंपेयर करेंगे IS कोड के आधार पर, ठीक है, कि किस सीमेंट की कितनी परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और IS कोड क्या कहता है हमारा, कि डिफरेंट डिफरेंट सीमेंट के केस में कि जितना ये परसेंटेज वैल्यू आई है ये कितनी हमारी कम होनी चाहिए, कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, जो रेजिड्यू वेट आया है वो कितना होना चाहिए। अब तो जो हमारा परसेंटेज रिटेन आई है जो वैल्यू, ये इस टेबल के हिसाब से हम देखेंगे कौन कौन सी सीमेंट के केस में इतनी परसेंटेज ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, कि इस अब हम टेबल में देखते हैं इन जो भी परसेंटेज गिवन है जितनी भी सीमेंट है उनकी, वो एक एक करके हम देखते हैं, वो होना नॉट मोर देन 10%, उसका जो वेट है वो मोर देन नहीं होना चाहिए 10% से। उसके बाद RH सीमेंट है, ठीक है, ये इसका जो नॉट मोर देन रेजिड्यू का वेट कितना नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 5%, PPC का 5% नॉट मोर देन, और IRST 40 का नॉट मोर देन 5%। जिस भी सीमेंट का, किसी भी टाइप के सीमेंट का हम ये टेस्ट करते हैं और उसकी जो परसेंटेज वैल्यू है वेट की, जो W2 है और W1 से जब हम वैल्यू निकालेंगे, अगर वो इन सारी सीमेंट के टाइप की जो हमें कोड के हिसाब से गिवन है उसके अंडर में आती है तो वो परमिसिबल लिमिट के अंदर में आएगी। तो ये था हमारा सीव मेथड, होप आपको ठीक ठाक लगा होगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इसके बाद है एयर परमिबिलिटी मेथड, इससे भी हम फाइनेंस ऑफ सीमेंट कैलकुलेट करते हैं, देखो कैसे। ये जो टेस्ट है ना ये स्पेसिफिक एरिया के आधार पर किया जाता है, ये जो मेथड है ना ये सीव मेथड से ज़्यादा मोर एक्यूरेट है, ठीक है, मोर एक्यूरेट है। कौन से मेथड से, सीव जो मेथड हम कर रहे थे 19 माइक्रोन सीव जो यूज कर रहे थे उस मेथड से ज़्यादा मोर एक्यूरेट मेथड है ये, क्योंकि इस मेथड में हम साइंटिफिकली कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू किसकी, पार्टिकल्स की, सरफेस एरिया, उसके वॉल्यूम निकाल के उसका सरफेस एरिया है, फिर हम देखते हैं कि उसको ज़्यादा फाइनेंस करते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। बेस ऑन स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट ऑल्सो कॉल्ड ब्लेन्स एयर परमिबिलिटी मेथड, अपरेटस यहाँ पे हम कौन सा यूज करते हैं, ली एंड नर्स मेथड, इस टेस्ट को हम ली और नर्स या ब्लेम मेथड भी कहते हैं। उसके बाद है फाइनेंस टेस्ट में एक और ही वाग्नर टर्बिडिटी मेथड ऑन द बेस ऑफ 1 ग्राम सीमेंट और ट्यूबिडिटी, वाग्नर के सिद्धांत पर इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है और ऑन द बेसिस ऑफ 1 ग्राम सीमेंट, वही स्पेसिफिक एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है ना जैसे हमने निकाला था एक पार्टिकल का वैसे यहाँ पे यूज किया जाता है, और ट्यूबिडिटी के आधार पे भी हम यहाँ पे निकाल के इसकी फाइनेंस चेक करते हैं सीमेंट की। टेस्ट में क्या करते हैं ना, एक टैंक लेते हैं उसमें केरोसिन वगैरह भर के और सीमेंट को यूनिफॉर्मली फैला देते हैं 1 ग्राम सीमेंट, ठीक है,
पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया के आधार पर इसकी टर्बिडिटी निकाल कर, इसकी फाइनेंस फिर निकाल कर, जो स्पेसिफिक एरिया वाला जो हमने मेथड अप्लाई किया था उससे इसका स्पेसिफिक एरिया निकलेगा और उस पार्टिकल की फाइनेंस, सीमेंट की फाइनेंस चेक की जाती है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये टेस्ट, लेकिन फिर भी आप एक बार इसका बेसिक याद रखना। ये कोल्ड सेडिमेंटेशन मेथड भी बोलते हैं इसको,